व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस? ओके ग्रेट, ये तो मुझे लगता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स में फीवर होता है, कोल्ड कफ, ड्राई कफ होता है बेसिकली, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तीन मेन सिम्टम्स हैं जिनको हम डायग्नोसिस के लिए माना गया है हमने WHO ने। इसके अतिरिक्त रनिंग नोज है, इसके स्टफी नोज है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द होना, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में डायरिया भी हो जाना, ये सिम्टम्स हैं इसके कोरोना वायरस इन्फेक्शन के। ओके, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल फ्लू और कोल्ड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल फ्लू जैसे ही हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है इनमें। फ्लू में भी कॉमन कोल्ड, फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट होता है। बट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि फ्लू में कॉमन नॉर्मली जो वायरस ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में फैले हों उनसे फैलता है, तो मीन्स कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव केस नहीं होता है। अगर सेम सिम्टम्स जैसे फीवर, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रनिंग नोज आपको हो रहा है और साथ में आपको हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट है किसी पॉजिटिव पेशेंट से या किसी ऐसे पेशेंट से जो पॉजिटिव पेशेंट्स के टच में रहा हो, या ऐसा कोई हेल्थ केयर वर्कर या हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट किए जाते हो, तो फिर ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देन यू आर ए सस्पेक्ट और तब आपको जांच करानी चाहिए। ओके, सो ये फैलता कैसे है फिर पूरे कम्युनिटी में? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हमें ये पता लग जाए कि कैसे फैलता है तो हम रोकने के इंतजाम और अच्छे कर सकते हैं। तो ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, मीन जब हम लोग कफिंग, स्नीजिंग या एक्जेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स जो है हमारे जो नोज में है, जो हमारी ओरल कैविटी में सलाइवा है उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर फॉर्मेट के रूप में बाहर निकलती हैं और जो लगभग 3 फुट के आसपास जा जाती हैं। तो 3 फुट के अंदर जब भी हम कफिंग या स्नीजिंग करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स फैल जाती हैं, पूरे जो आसपास के आर्टिकल्स और सर्फेसेस हो जाती हैं, उन सर्फेसेस पे ये वायरस 8 घंटे से लेकर 24 से 48 घंटे तक रह सकता है। तो उस समय अगर वो सरफेस को कोई दूसरा बंदा टच करता है, उसको उसके बाद अपने माउथ, नोज और आइज को टच कर सकता है, तो ये इन्फेक्शन उसको भी फैल सकता है। तो इसलिए हमें कफिंग, स्नीजिंग और अगर कफिंग स्नीजिंग के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और कफ एटिकेट्स फॉलो करें। ओके, इज देयर एनी एंटीबायोटिक्स व्हिच कैन कर्ब और व्हिच हेल्प दिस कोरोना वायरस? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कि बहुत सारे लोग, हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, तो इसके अगेंस्ट नॉर्मली वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग काम करते हैं। अभी कोई भी एंटीवायरल ड्रग डेवलप नहीं हुआ है, एंटीबायोटिक भूल के भी नहीं लेनी है, एंटीबायोटिक और नुकसान कर सकती हैं। एंटीबायोटिक हम जब देते हैं जब हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट भर्ती है और उसको ऑलरेडी पॉजिटिव केस हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन बचाने के लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर्स की सलाह से डॉक्टर ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को एंटीबायोटिक खुद नहीं लेनी है। इसके अगेंस्ट अभी तक कोई डेफिनेटिव एंटीवायरल ड्रग डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि कुछ नए ड्रग्स पे जैसे राइटोनाबीर है, लोपिनाबीर है, कुछ एंटी मलेरियल ड्रग हैं, उनसे इनिशियल हमने कुछ ट्रायल किए हैं, पेशेंट्स में ट्रायल किए हैं गवर्नमेंट परमिशन के बाद, तो कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट अभी ये कहना मुश्किल है कि कोई फिक्स्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, सो इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट इट एज ऑफ नाउ? अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, वैक्सीन पे काम चल रहा है, वायरस को हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं। इसके अलावा वायरस को आइसोलेट करने के बाद कई सारे वो होते हैं, प्रोसेस होती हैं, उसके बाद उन प्रोसेस के बाद हम लोग इनमें क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो इस सब प्रोसेस में लगभग 8 से 12 महीने लगेंगे, तभी वैक्सीन डेवलप होगी। ओके, तो ये जो वायरस है इसके लिए कौन ज़्यादा रिस्क पर है, मतलब हु इज़ एट मोर रिस्क? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हमें अगर ये पता लग जाए कौन ज़्यादा रिस्क है तो उनको हम ज़्यादा केयर कर सकते हैं। तो रिस्क पे कौन है, वो लोग जो एल्डरली हैं, 60 साल या 70 साल से ऊपर की एज ग्रुप के हैं, या वो पेशेंट्स जिनको कोमॉर्बिड डिजीज़ है। कोमॉर्बिड डिजीज़ मतलब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो उनकी इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, लंग की डिजीज़ है, अस्थमा है, COPD है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो, या कैंसर है, या किसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे वो लोग चल रहे हैं, तो ये लोग हाई रिस्क हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हाई रिस्क में हैं। ओके, डॉक्टर, आपने देखा होगा आजकल हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि सबको ही मास्क लगाना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल मास्क और सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है कि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि सबको मास्क लगाना है। मास्क सिर्फ 2 लोगों को लगाना है, या तो जिनको सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर के, सो दैट वो कफिंग और स्नीजिंग के टाइम
इन्फेक्शन किसी और को ना फैला सकें तो उनको लगाना, या जो लोग ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उनको केयर कर रहे हैं घर में या अस्पताल में, कि जो केयर गिवर्स हैं बेसिकली, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको केयर कर रहे हैं या सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी केयर कर रहे हैं, उन लोगों को मास्क लगाना है। और मास्क लगाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मास्क जब ही इफेक्टिव होगा जब हम मास्क लगाने के साथ साथ प्रॉपर हैंड हाइजीन